Hello student, I am Rupesh Kumar Paul, lecturer in Mechanical Engineering Department in Government RC Khetan Polytechnic College, Jaipur. आज हम बात करेंगे measurement of surface finish जो कि हमारा है part 1 जो कि ME 209 का part है. क्या होता है कि जब भी हम किसी मशीन किसी भी कंपोनेंट को बनाते हैं किसी भी मशीन या मशीनिंग या प्रोसेस के थ्रू, तो क्या होता है कि जो इसकी जो सरफेस होती है किसी भी कंपोनेंट की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, हम परफेक्टली स्मूथ प्रोड्यूस कर पाते हैं. जब सरफेस हमारी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है तो जब भी हम कंपोनेंट को एक दूसरे से असेंबल करते हैं तो ये डिफ़िकल्टी हमारी जनरेट कर देती हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा जो कंपोनेंट बना है उसकी जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी होनी चाहिए. तो जो सरफेस फिनिश को जो इफ़ेक्ट करते हैं या सरफेस रफनेस को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो हमारे फैक्टर हैं. पहला है हमारा वर्कपीस मटेरियल, कि हमारा कैसा वर्कपीस का मटेरियल है, वाइब्रेशंस. सेकंड है कि मशीनिंग या टूल हमारा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है, मशीनिंग टाइम पे किस तरीके का हम उस पर मशीनिंग कर रहे हैं. और फोर्थ वन है टूल है फिक्चर, कि हम किस टाइप का टूल और फिक्चर हम यूज़ कर रहे हैं. अकॉर्डिंग जो हम जैसे जॉब हम बना रहे हैं हम उसी टाइप का फिक्चर यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टूल को अच्छी तरह पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे हैं, जो जॉब हमको दिया गया है उस जॉब की जो पकड़ है, उस जॉब को जो सपोर्ट मिलना चाहिए प्रॉपरली सपोर्ट मिल रहा है या नहीं. अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारा जो वर्क पीस है वो या हमारा जो कंपोनेंट है उसके अंदर सरफेस फिनिश अच्छी नहीं आएगी. नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ज्योमेट्रिकल इररेगुलरिटीज कैन बी क्लासीफाइड, जो इररेगुलरिटीज़ होती हैं या रफनेस होती है वो हमारी कितने क्लासीफाई होती है, वो हमारी चार ऑर्डर होती है. फर्स्ट ऑर्डर इररेगुलरिटीज, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर इररेगुलरिटीज़. जो फर्स्ट ऑर्डर इररेगुलरिटीज़ होती है वो आती है कॉज बाय लैक ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ द गाइड वेज ऑन विच टूल मस्ट मूव. लाइक जिस पे टूल मूव करता है उस गाइड वेज की जो स्ट्रेटनेस होती है, अगर वो स्ट्रेट नहीं होगा तो हमारा जो टूल है वो स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, और जो हमारा वर्क पीस है उस पे जो फिनिश आनी चाहिए वो वैसी फिनिश नहीं आएगी या फिनिश नहीं आएगी. सेकंड ऑर्डर इररेगुलरिटीज के में क्या होता है, दीज आर कॉज बाय द वाइब्रेशन, जो मशीनिंग वाइब्रेशन होते हैं उसके कारण. थर्ड है हमारा दीज आर कॉज बाय द मशीनिंग, जो प्रोसेस होता है मशीनिंग प्रोसेस किस टाइप का हम प्रोसेस उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं उस टाइप, तो उससे जो होता है वो थर्ड ऑर्डर होता है. और फोर्थ ऑर्डर होता है बाय इन प्रॉपर मशीनिंग हैंडलिंग ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, आप किस तरह से मशीन और इक्विपमेंट को हैंडल करते हो. अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या इसमें अच्छे से आप इसको हैंडल नहीं करते हो तो इसके कारण जो इररेगुलरिटीज़ होती है सरफेस रफनेस होती है उसको हम बोलते हैं फोर्थ. अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर्स की. अब देखिए हमारा इस टाइप में ये यहाँ पे हमारा बना हुआ है ये डायग्राम सरफेस रफनेस का, ठीक है. तो अब आइडियल सरफेस क्या होती, प्रोफाइल क्या होती है, कंटूर ऑफ एनी सेक्शन थ्रू द सरफेस, जो कंटूरिंग आई है ठीक है इस तरीके से ये जो आई है ठीक है ये कहलाएगी आपकी प्रोफाइल, ठीक है. ले डायरेक्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है, ये जो हमारी आइडल सरफेस होती है, आइडल सरफेस क्या होता है, जिस पे किसी भी तरह की कोई भी इररेगुलरिटीज ना हो, लाइक बिल्कुल स्मूथ इस तरह से, ये हमारी होगी स्मूथ सरफेसेस. अब एक्चुअल सरफेस क्या होगी, एक्चुअल सरफेस होगी विद इररेगुलरिटीज, जिस पर मान लीजिए ये होगी सरफेस के अंदर जो भी इररेगुलरिटीज होंगी वो कहलाएगी एक्चुअल सरफेस, जो प्रोड्यूस जो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में या जो मशीनिंग करने के बाद में हमको मिलती है वो कहलाएगी हमारी एक्चुअल सरफेस, ठीक है. अब इसकी हाइट क्या होगी, रफनेस की हाइट होगी हमारी मान लीजिए ये होगी हमारा रूट से लेकर वैली तक का जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगी इसकी हाइट, ठीक है. ये कहलाएगी आर एच हाइट, रफनेस हाइट, ठीक है. अब इसकी विड्थ क्या कहलाएगी, दो पॉइंट, दो ये जो टॉप
पीक होता है इनका, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी ये कहलाएगी आपकी रफनेस विड्थ, ठीक है, ये कहलाएगी आपके रफनेस विड्थ और ये कहलाएगी आपकी रफनेस हाइट, ठीक है। लेस क्या होती है, लेस होती है डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेटेड सरफेस पैटर्न। लाइक हम जो भी कोई भी मशीनिंग कर रहे हैं तो उसका एक पैटर्न होता है, वो जो पैटर्न होता है वो पैटर्न आपका कहलाता है लेस, ठीक है। लाइक अगर हम किसी पे मशीनिंग करेंगे, हमारा जॉब है इस पे हम इस तरह से मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस पे जो पैटर्न बनता है, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा ले, ठीक है। फ्लॉस क्या होंगे, मान लीजिए किसी भी सरफेसेस के अंदर, ठीक है, मान लीजिए आपका जॉब है, ठीक है, इस पे आपने मशीनिंग की, तो मशीनिंग करने उसके बाद में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रैक आ गया, या यहाँ पे हमने हैमर से कोई चोट लग गई, या क्या हुआ हमें दूसरी डायरेक्शन से हमने मान लीजिए इस पे सरफेस फिनिश करना स्टार्ट किया, तो वो जो पैचेस बनेंगे या हैमर से मारने से वो जो चोट लगेगी उस पे या वो क्रैक होगा वो कहलाता है इसका फ्लॉ, ठीक है। एक्चुअल सरफेस आप पता है बताई दिए मैंने रफनेस। सैम्पलिंग लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ द प्रोफाइल नेसेसरी टू इवेलेशन ऑफ द इररेगुलरिटीज। जो भी हम लेंथ लेते हैं प्रोफाइल को एग्जामिन करने के लिए वो क्या कहलाती है हमारी इररेगुलरिटीज। वेविनेस और रफनेस, वेविनेस क्या होती है, सरफेस इररेगुलरिटी विच आर ऑफ ग्रेटर स्पेस देन द रफनेस, ठीक है। अब क्या होता है रफनेस, तो क्या होते हैं फाइनी स्पेस रेगुलरिटीज, मतलब छोटे स्पेस के अंदर जो इररेगुलरिटीज होती हैं वो कहलाती है हमारी रफनेस, ठीक है। कैसे, और वेवनेस क्या होती है, सरफेस रेगुलरिटी इन अ लार्ज एरिया और ए ग्रेटर स्पेस देन द रफनेस। तो जो रफनेस होती है उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी टेक्सचर, ठीक है, और जो वेविनेस होती है वो कहलाती है हमारी सेकेंडरी टेक्सचर। जैसे देखिए ये जो है, अगर इस तरह से इसको एग्जामिन करेंगे तो ये इस तरीके से इसमें एक वेब जनरेट होती है, ठीक है, ये तो कहेगी वेविनेस। और ये जो छोटे छोटे जो आपको ये दिख रहे हैं ये कहला रही है हमारी रफनेस। तो रफनेस जो होगी वो हमारी प्राइमरी टेक्सचर होगी और जो वेविनेस होगी वो हमारी होगी सेकेंडरी टेक्सचर, ठीक है। तो ये है हमारी एलिमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। नेक्स्ट होगा अब हम एनालिसिस कैसे करेंगे सरफेस फिनिश का। एनालिसिस ऑफ सरफेस फिनिश कैरिड बाय द, पहला है द एवरेज रफनेस मेथड, पीक टू वैली हाइट मेथड और फॉर्म फैक्टर। तो पहले हम देखते हैं एवरेज रफनेस मेजरमेंट। एवरेज मेजरमेंट होता है हमारे तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहला है सेंट्रल लाइन एवरेज, जिसको हम बोलते हैं CLA, रूट मीन स्क्वायर RMS और 10-point method। तो सबसे पहले देखते हैं हम CLA मेथड। CLA मेथड के अंदर क्या करते हैं, द रफनेस इज मेजर्ड एवरेज एज ए एवरेज डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस। एक जो नॉमिनल सरफेस होती है, ठीक है, हम मान लेते हैं किसी भी एक लाइन को मान लेंगे जो नॉमिनल सरफेस है, ठीक है, अब उसके ऊपर या उसके नीचे, ठीक है, इस तरह से हमारी जो एरिया होगा, एरिया होगा जिस A1, A2, A3, A4, A4, तो CLA क्या हो जाएगा हमारा, और जो लेंथ होगी, ठीक है, ये होगी इसकी प्रॉपर लेंथ जो कि आप इस पर टोटल लेंथ जो कि आप मेजरमेंट करने के लिए जो भी आप लेंथ ले रहे हो जिस पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा CLA वैल्यू इज इक्वल टू A1 + A2 + A3 + A4 से ऑन करके अपॉन L। तो समीशन ऑफ A जो भी एरिया होगा अपॉन L वे समीशन एरिया एवरेज एरिया प्लस टोटल एरिया हो जाएगा समीशन, देन उसके बाद में डिवाइड बाय द टोटल लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं हम RMS मेथड। RMS मेथड के अंदर क्या करेंगे हम, द रफनेस इज मेजर एज द एवरेज डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस, लेट H1, H2 आर द हाइट ऑफ द ऑर्डिनेट्स एंड L इज द सैम्पलिंग लेंथ। क्या होगा, जो सैम्पलिंग लेंथ हमने ली है उससे जो नॉमिनल सरफेस होगा उसके ऊपर या नीचे जो इररेगुलरिटीज़ होगी, ठीक है, उसके ऊपर की इररेगुलरिटीज़, ठीक है, एवरेज डेविएशन फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस H1, H2, H3, ठीक है,
तो वो हो जाएगा हमारा एच वन प्लस एच वन का स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर प्लस एच थ्री का स्क्वायर सो वन अंडर रूट डिवाइड बाय एन, कितने नंबर ऑफ हमने सैम्पलिंग ली है टोटल लेंथ के अंदर। ठीक है, अब आपके टेन पॉइंट हाइट मेथड, टेन पॉइंट हाइट मेथड के अंदर क्या होगा, द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द फाइव हाईएस्ट पीक एंड फाइव लोएस्ट वैली ऑफ द सरफेस इज टेकन द इररेगुलरिटी आर कैलकुलेट बाय द, ठीक है, जो हमारा एक नॉमिनल सरफेस होगा एवरेज बिटवीन द पीक हाइट वैल्यू ऑफ द सरफेस टेकन एज इररेगुलरिटी कैलकुलेट बाय द सरफेस से जो भी हमारी, ये देखिए यहाँ पे है ये वैली है, ये हमारा पीक है, ये वैली है, ये पीक है, तो पांच वीक और पांच वैली, ठीक है, एक सरफेस से पांच पीक और पांच वैली को क्या करेंगे हम लेंगे, देन उसके बाद में उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगी हमारे पास में मान लीजिए एच वन हमने एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव हमारी थी पीक की वैल्यूज़ माइनस एच सिक्स एच सेवन एच एट एच नाइन एच टेन हमारी है वैली के डायमेंशंस, देन उसके बाद में हमने वन अपॉन फाइव कर दिया बिकॉज इन सेट। ठीक है, तो क्या फिर इसके पास में हमारे पास में आ जाएगी इसकी इररेगुलरिटीज़ का वैल्यू, देन उसके बाद में हमारा सेकेंड है पीक टू वैली हाइट मेथड। पीक टू वैली मेथड के अंदर क्या करेंगे, पीक टू वैली वैली हाइट मेजर द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सरफेस इररेगुलरिटी ओवर गिवन सैंपल लेंथ एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डेप्थ इज एक्सेप्टेड फॉर द मेजरमेंट। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो भी इररेगुलरिटीज होती हैं उसमें क्या करते हैं, जो मैक्सिमम हमारी हाइट होती है पीक टू वैली, पीक से लेकर वैली तक की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो मैक्सिमम हाइट हम इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट लेने से क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो भी सरफेस की इररेगुलरिटी है वो कोई भी एक पॉइंट से मेज़र नहीं की जा सकती। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट ही हम मेज़र करते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम इसकी हाइट होती है पीक टू वैली। जैसे अभी अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है दैट इज़ मै, एक तो हाइट ये है और एक हाइट ये है, ठीक है, ये जो हाइट है दैट इज़ मैक्सिमम हाइट हो गई है आपकी, जो हाइट है ये हो गई आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, तो आर ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन बाय मेजरिंग द एरिया ऑफ ए मटेरियल अबाउ द आरबीटी चोजन बेस लाइन इन द सेक्शन एंड द एरिया ऑफ एनवॉल्विंग रेट एंगल। ठीक है, जो भी एक जो भी हमने सैम्पलिंग लेंथ ली है उसके ऊपर चूजन एरिया ले लेंगे हम, ठीक है, एरिया ले लेंगे, देन उसके बाद में क्या होगा दैट इज आंसर जो होगा डिग्री ऑफ फुलनेस इज इक्वल टू जाएगा मेटल एरिया डिवाइड बाय एनवलपिंग रेक्टेंगुलर एरिया। ठीक है, डिग्री ऑफ एम्प्टीनेस इज इक्वल टू हो जाएगी हमारी फुलनेस एंड डिग्री ऑफ इंटेनेंस हो जाएगी हमारी ई इज इक्वल टू माइन माइनस एफ। तो इस तरीके से हम इसकी इररेगुलरिटी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट में देखेंगे हम कि सरफेस इररेगुलरिटीज हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।